पुलिस स्टेशन के ताल्लुक से जो केस है बच्ची का, उस सिलसिले में आज नौजवान रैलियों की शक्ल में निकले थे उस मसले में एहतजाज करने के लिए, और मुख्तलिफ मकाम से नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे हवा ने मुकन्ना मजलिस पार्टी की हिदायत पर मजलिस की अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब, मौजम खान साहब, अहमद बलाला, मैं कमिश्नर पुलिस से जाके बात किए और उनसे बताया कि जितने बच्चों को आप गिरफ्तार करे हो उनको फौरी रिहा कीजिए। कमिश्नर साहब हमारी मौजूदगी में हमारे सामने तमाम डीसीपी को फोन करके बोले कि बच्चों को फौरी रिहा कर दिया जाए। चुनाचे सेंट्रल जोन में मुमताज खान साहब और गांधीनगर में मौदम खान साहब, साउथ जोन में अहमद बलाला और अंबरपेट में मैं पुलिस स्टेशनों को जाके बच्चों को रिहा कराए। इस मसले में मल्लिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तदा से नुमाइंदगी करती जा रही है, पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, दस्तूरी एतबार से हम जितना हो सकता है बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए नुमाइंदगी कर चुके। FIR हो चुका, वो रिमांड में भी है, और नया जो कानून लागू किया गया वो भी इस पर लागू कर दिया गया है। मजीद इससे मुतालिक जो जो चीजें हैं, जो जो लोग हैं, उन सबके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर पुलिस के इल्म में ला दिया है। इस केस में पुलिस से हमारा सख्त तरीन मुतालबा है कि किसी किस्म की लापरवाही ना बरती जाए, चाहे उसमें पुलिस के लोग इसमें शरीक होने दो या कोई सिविल, लेकिन इस मसले में पुलिस लापरवाही नहीं करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस हमारी बातों को सुने, उससे इत्तेफाक किया, उन्होंने वादा किया कि इस मसले में हम तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए बच्ची के साथ बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इब्तिदा से इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करी। चुनाचे अहमद बलाला, मुमताज खान साहब, संतोष नगर पुलिस स्टेशन में DCP से बात करके तमाम कार्रवाई की तकमील की है। हम इस मसले में बराबर जिद्दोजहद जारी रखे हुए, आज भी कमिश्नर से नुमाइंदगी किया है, और अकबर साहब की हिदायत पर हमारी मजलिस की नुमाइंदगी पर तमाम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह रिहा कर दिया गया है। मैं इस सिलसिले में यहाँ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में जो बच्चे थे उन लोगों को भी अभी मेरे यहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर लाके छोड़े हैं। मुझे तवक्को है कि पुलिस और हुकूमत इस मसले में इंसाफ करेगी, बच्चे को इंसाफ दिलाएगी। शुक्रिया।